बच्चों, आज हम प्रतिरोध और उसकी निर्भरता पर चर्चा करेंगे कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो किन-किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। बच्चों, हम जानते हैं कि ओम के नियम से यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे उसकी विमाएं लंबाई, मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं, ताप, अगर न बदले तो उसके सिरों पर जो हम विभवांतर लगाते हैं वो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उन दोनों का एक नियत अनुपात होता है, और उस अनुपात को ही हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर हम किसी चालक के सिरों के मध्य भी विभवांतर आरोपित कर दें और उसमें प्रवाहित धारा आई हो, जैसे यहां हमने एक चालक तार लिया है और इसमें हम V विभवांतर इस तार में आरोपित कर रहे हैं और चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो ओम के नियम से V अपान I इज इक्वल टू होता है R, जहां R क्या है बच्चों? ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और इसका जो मात्रक बनता है वो V के मात्रक और I के मात्रक का अनुपात होता है। तो V का मात्रक हमारा वोल्ट है और I का हमारा मात्रक है एम्पियर। V विभवांतर है जिसका मात्रक वोल्ट, और I विद्युत धारा है जिसका मात्रक एम्पियर है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम बोलते हैं ओम। तो इस प्रतिरोध का जो हमारा मात्रक है वो बच्चों होता है ओम। तो ये जो हमारा ओम का नियम है V अपान I इज इक्वल टू R, इसमें R जो है ये हमारा प्रतिरोध है। और बच्चों, प्रतिरोध जो है एक बाह्य कारक होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। अब हमें देखना है कि जैसे मान लीजिए ये चालक तार है, तो इस चालक तार का प्रतिरोध जो है वो किन-किन बातों के ऊपर निर्भर करेगा, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जो प्रतिरोध हमारा है वो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चालक तार की जो लंबाई है इस पर निर्भर करता है, किस प्रकार करता है। उसके लिए हमने एक परिपथ तैयार कर लिया है। देखिए, यहां हमने एक बैटरी लगा दी है। बैटरी बच्चों आप जानते हैं किस तरह से बनती है, सेलों के संयोजन से ही हमने बैटरी तैयार कर ली है। ये बैटरी का धन सिरा है और ये बैटरी का ऋण सिरा है। ये हमने एक कुंजी लगाई हुई है जहां से हम इस परिपथ को पूर्ण करते हुए ऑन ऑफ करेंगे। ये हमारा अमीटर है और आप जानते हैं अमीटर क्या करता है, विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है कि कितने एम्पियर की या मिली एम्पियर की धारा इस परिपथ में बह रही है। यह हमारा वो जो चालक तार है, ये नाइक्रोम का तार हो सकता है, कॉपर का तार हो सकता है, ये हमने लिया है, और ये हमारे कनेक्शन वायर्स हैं। और इस तरह से हमने ये, जब हम इस कुंजी के प्लग को लगाते हैं तो ये परिपथ में आई धारा यहां से प्रवाहित होती है। अब बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमने चालक तार लिया है इसकी लंबाई पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है। तो बच्चों, ये हमने एक नाइक्रोम का एल लंबाई का तार मान लीजिए यहां ए और बी के बीच में लगाया, और उसके बाद में हमने इस परिपथ में देखा इस अमीटर की रीडिंग को, अर्थात हमने परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया। क्या किया हमने? सबसे पहले एल लंबाई का एक तार यहां ए और बी के बीच में लगाया और अमीटर की रीडिंग को पढ़ा। ये हमने नाइक्रोम का एल लंबाई का तार लिया था, यहां देखिए नाइक्रोम का एल लंबाई का तार ये इस जगह लगाया गया, और हमने इस परिपथ की रीडिंग, अब इसमें अमीटर की रीडिंग को पढ़ लिया परिपथ में, जिसने हमें इस विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मान बता दिया। अब हमने इस तार को रिप्लेस किया, एल लंबाई के तार को हमने रिप्लेस किया इसी नाइक्रोम के 2L लंबाई के तार से बच्चों। तो अब यहां ये हमने अपने प्रयोग में 2L लंबाई का तार यहां लगाया है, और बच्चों फिर हमने इस अमीटर की रीडिंग को नोट किया। बच्चों, जो हमने पहले एल लंबाई का तार लेकर अमीटर की रीडिंग देखी थी और फिर 2L लंबाई का तार लेकर अमीटर की रीडिंग देखी, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। हमने पाया कि जो अमीटर की रीडिंग पहली बार में जितनी आई थी, मतलब विद्युत धारा पहली बार में जितनी आई थी,
दूसरी बार में वो रीडिंग घटकर आधी रह गई। मतलब हमने जब एल लंबाई का तार लिया तो कुछ रीडिंग अमीटर में आई थी, विद्युत धारा का कुछ मान आया था, और जब हमने 2L लंबाई का तार यहां लिया इसकी जगह, मतलब तार की लंबाई को हमने दुगुना कर दिया, तो हमने पाया कि जो विद्युत धारा का मान था वो आधा रह गया। तो बच्चों इससे हमने एक निष्कर्ष निकाला कि I बराबर तो है V बटे R, अगर I यहां ले ले तो ये V बटे R होता है, या V अपान I इज इक्वल टू R है। तो निश्चित ही जब विद्युत धारा आधी रह जाएगी तो प्रतिरोध दुगुना होगा। तो हम समझ गए कि जब हमने L लंबाई के प्लेस पर 2L लंबाई का उसी पदार्थ का तार लिया, चालक तार लिया, तो हमने देखा कि उसकी उसका जो प्रतिरोध है वो दुगुना हो गया। तो हम समझ गए कि चालक तार की अगर हम लंबाई बढ़ा देते हैं, L लंबाई के चालक तार की जगह 2L लंबाई का तार या कोई और बढ़ी हुई लंबाई का तार ले लें, तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो बच्चों हमने पहली बात यह सीखी कि किसी भी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, R अनुक्रमानुपाती L। अगर हम L इस चालक तार की लंबाई लेते हैं तो प्रतिरोध R समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा इस लंबाई L के, अर्थात लंबाई बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब हम बच्चों अब दूसरी बात करते हैं। हम लेते हैं चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को देखते हैं, अर्थात उस चालक तार की मोटाई को देखते हैं कि क्या मोटाई में परिवर्तन कर देने से प्रतिरोध पर कोई फर्क पड़ता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक नाइक्रोम का जो हमारा पतला तार था एल लंबाई का, जिससे हमने अमीटर की रीडिंग ली थी यहां पहली बार में, अब हमने क्या किया कि नाइक्रोम का उसी लंबाई का तार लिया, लेकिन कुछ मोटा या थिकर वायर हमने लिया है इस तरह से, मतलब लंबाई दोनों की समान है परंतु वायर हमने इस बार ले लिया मोटा, और फिर हमने इस अमीटर की रीडिंग को देखने का प्रयास किया। तो बच्चों हम देखते हैं कि इस अमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है, मतलब विद्युत धारा का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है मोटा तार लेने पर। तो निश्चित रूप से प्रतिरोध कम हुआ है। तो बच्चों हमने ये पाया कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अगर हम यहां बढ़ा देते हैं, मतलब पतले तार की जगह हम मोटे तार का उपयोग करते हैं, तो हमारा प्रतिरोध घट जाता है और हमारा अमीटर जो है ज्यादा रीडिंग देने लगता है। तो हमने सीखा कि चालक का प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात हमने सीखा कि समान लंबाई के अगर हमने पतले और मोटे तार लिए तो पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा और मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, अर्थात R समानुपाती एक बटे ए, R अनुक्रमानुपाती एक बटे ए, या यूं कहें कि R व्युत्क्रमानुपाती है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के। तो हमने दो बातें सीख ली कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, R समानुपाती L, R अनुक्रमानुपाती L, और चालक का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल अर्थात मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है, R अनुक्रमानुपाती एक बटे ए। तो हमने दो बातें यहां सीखी, हमने सीखा कि अगर एक तार लिया है और उस तार की लंबाई को दुगुना कर दिया तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, दुगुना कर दिया, तिगुना कर दिया, प्रतिरोध उसी अनुपात में बढ़ता चला जाता है, अनुक्रमानुपाती है लंबाई के, लंबाई बढ़ी चालक तार की प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अगर हमने समान लंबाई के तार ले लिए और एक पतला और एक मोटा है तो हमने देखा कि मोटे तार का प्रतिरोध कम हो जाता है। तो हमने दो बातें सीख ली कि चालक की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है,
और चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बच्चों तीसरी बात करते हैं, हम क्या करते हैं इस बार कि हम लंबाई एक जैसी रखते हैं और एक बार हम यूज करते हैं नाइक्रोम का तार और एक बार यूज करते हैं हम कॉपर का तार। तो नाइक्रोम के तार से तो हम एक बार रीडिंग ले चुके हैं, ये और ये ऊपर जो तीनों वायर है हमारे नाइक्रोम की है। पहली बार हमने यहां नाइक्रोम का तार यूज किया था एल लंबाई का, दूसरी बार भी हमने नाइक्रोम का तार यूज किया एल लंबाई का, अब की बार भी हम नाइक्रोम का तार यूज कर रहे हैं एल लंबाई का। तो अगर हमने नाइक्रोम का तार यूज किया है तो अमीटर ने अपनी कुछ रीडिंग दी है, अर्थात परिपथ में कुछ विद्युत धारा बही है। अब हम बच्चों नाइक्रोम के तार को रिप्लेस कर देते हैं कॉपर के तार से। तार की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल समान है, मतलब समान लंबाई के हैं, समान मोटाई के हैं। पहले हमने नाइक्रोम के तार से प्रयोग किया, अब हमने नाइक्रोम की जगह कॉपर का तार ले लिया। तो बच्चों कॉपर के तार को लेने में रीडिंग पहले से बढ़ गई, अर्थात धारा पहले की तुलना में ज्यादा हो गई। तो हम समझ गए कि तांबे के तार का प्रतिरोध उसी ज्यामिति के नाइक्रोम के तार के प्रतिरोध से कम है, क्योंकि रीडिंग बढ़ी यहां पे एमीटर की, मतलब प्रतिरोध क्या हो गया है, घट गया है। तो कॉपर वायर का प्रतिरोध कम होता है, ये हमने सीख लिया। तो हमने एक खास बात सीखी, वो ये सीखी कि एक जैसे ताप, समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के अगर हम अलग अलग पदार्थों के तार ले लेते हैं, एक नाइक्रोम का एक कॉपर का, एक जैसे मोटाई एक जैसी लंबाई एक जैसी, तब भी उन तारों का प्रतिरोध जो है वो अलग अलग होता है। अर्थात नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध अलग है और कॉपर के तार का प्रतिरोध अलग होता है। तो इसका मतलब हमने सीखा कि चालक के पदार्थ पर भी जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। फिर बच्चों चौथी बात जो प्रतिरोध निर्भर करता है कि ताप अगर हम बढ़ा देते हैं, यहां अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो धात्विक चालकों का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है। इस प्रकार चालक का प्रतिरोध चार बातों पर निर्भर करता है। एक चालक की लंबाई पर, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, आर अनुक्रमानुपाती एल। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को हम ए से व्यक्त कर दें तो आर समानुपाती एक बटे ए कहें या आर व्युत्क्रमानुपाती ए। चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, अलग अलग पदार्थों के तारों का प्रतिरोध अलग अलग है, चाहे वे ज्यामिति में एक जैसे हों, और ताप बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है। सम्मिलित रूप में अगर हम लें तो R समानुपाती L था और R समानुपाती 1/A है, तो हम कह सकते हैं R अनुक्रमानुपाती L अपान A या R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान A। यहां रो एक नया कांस्टेंट आया है, इसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और बच्चों ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का अगर हम क्षेत्रफल ले लें तो उसके तार के प्रतिरोध को जो है हम उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध को जो है हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसका मात्रक ओम मीटर है। तो बच्चों आज हमने प्रतिरोध की निर्भरता को सीखा और हमने सीखा कि प्रतिरोध चार बातों पर निर्भर करता है। और हाँ बच्चों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये प्रतिरोध आता कहां से है तो मैं एक पल में इसको भी आपको बता देता हूं। बच्चों ये जो हमारा जो हम चालक तार लेते हैं बच्चों, उसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब हम इस चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बड़ी संख्या में जो इलेक्ट्रॉन है वो एस्केलेरेट होते हैं, त्वरित होने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी गति के दौरान मार्ग में आने वाले परमाणुओं, आयनों, धनायनों से टकराते रहते हैं। क्या कहा मैंने, एक चालक तार में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जब हम चालक के सिरों पर क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं किसी बैटरी वगैरह की मदद से, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन एस्केलेरेट होते हैं, त्वरित होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी गति के दौरान अपने मार्ग में आने वाले जो परमाणु हैं या धनायन हैं उनसे टकराते रहते हैं।
और ये जो टक्कर है वो इलेक्ट्रॉन के इस फ्री मूवमेंट का या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस मूवमेंट का विरोध करती है, और इलेक्ट्रॉनों को इस विरोध का सामना करते हुए, इस बाधा को पार करते हुए एक निश्चित वेग से आगे बढ़ना होता है, जिसे हम अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये चालक द्वारा ये जो बाधा उत्पन्न की जा रही है, इस उत्पन्न बाधा को ही बच्चों रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और चालकों में जो विद्युत का प्रवाह होता है बच्चों, वो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो है टक्कर लगती है धनायनों की, मार्ग में आने वाले परमाणुओं की, इस टक्कर के कारण उत्पन्न हुई बाधा ही उसका क्या है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है। और मोटे तौर पर हम कह देते हैं कि प्रतिरोध वह बाह्य कारक है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। धन्यवाद।